टेस्टी, क्रिस्पी, क्रंची और कम टाइम में बनने वाली रेसिपी सभी को बहुत पसंद आती है। हाय गाइस, मैं तारा कुशवाहा टेस्टी होम कुक में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। तो गाइस, आज मैं लेकर आई हूँ आप लोगों के लिए क्रिस्पी ब्रेड फिंगर, जो कि बहुत ही कम टाइम में बनता है, बहुत ही कम सामग्री लगेगी बनाने में और 10 मिनट में बन करके तैयार हो जाएगा। तो चलिए रेसिपी को शुरू करेंगे। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा। इस रेसिपी को बनाने के लिए हमें चाहिए ब्रेड। तो आप जो है ब्रेड की 4-5 स्लाइस ले लीजिए और उसके बाद हमें ब्रेड को कट करना है फिंगर के आकार में, तो आधे इंच की दूरी पे कट लगा लेंगे। आप ब्रेड फिंगर बनाने के लिए वाइट ब्रेड का भी यूज़ कर सकते हैं और ब्राउन ब्रेड का भी। तो ध्यान रखिएगा कि ब्रेड आपकी ताज़ी होनी चाहिए। जब ताज़ी ब्रेड रहेगी ना, आप इसे कट करोगे तो अच्छे से कट होगी, टूटेगी नहीं बिल्कुल भी। अगर ब्रेड ड्राई रहेगी ना तो काटते समय टूटने लगती है। जैसे कि ये देखिए, फिंगर मैंने यहाँ पर काट करके तैयार किया हुआ है। सारे ब्रेड को इसी तरीके से पहले तैयार कर लेंगे। उसके बाद जो है हमें चाहिए ब्रेड क्रम्ब। तो हम जो है ब्रेड क्रम्ब भी बना करके तैयार कर लेते हैं ब्रेड से। तो 3-4 जो है ब्रेड को एक ग्राइंडिंग जार में तोड़ करके डालिए और उसके बाद कैफ लगा करके हम जो है कुछ सेकेंड के लिए मिक्सर चालू करेंगे और आपका ब्रेड क्रम्ब भी तैयार हो जाएगा। तो इस प्रोसेस में आपको बिल्कुल भी टाइम नहीं लगने वाला है। ये हमारा ब्रेड क्रम्ब बन करके हो गया है तैयार। ध्यान रखिएगा कि थोड़े से ना बड़े बड़े टुकड़े के ब्रेड क्रम्ब बनाएंगे, जैसे कि मैंने बनाया हुआ है। इस तरीके से जो है ना, आप ब्रेड क्रम्ब तैयार करते हो तो आपका जो ब्रेड फिंगर है ना, वो देखने में ज़्यादा अच्छा लगता है और काफ़ी ज़्यादा क्रिस्पी बनता है। चलिए अब हम नेक्स्ट स्टेप पे चलेंगे, जिसके लिए एक कोई भी बर्तन ले लीजिए और इस बर्तन में हम ऐड करेंगे थोड़ा सा बेसन। तो मैंने ये छोटा बाउल बेसन का यूज़ किया हुआ है, बहुत ज़्यादा हमें बेसन की ज़रूरत नहीं है, थोड़ा सा यूज़ करेंगे। उसके बाद जो है ना, इसमें हम ऐड करेंगे थोड़ा सा हल्दी पाउडर, जिससे कि बहुत ही प्यारा सा कलर आएगा। साथ में इसमें ऐड करिए 1/4 चम्मच गरम मसाला पाउडर और फिर इसमें हम 1/2 चम्मच लाल मिर्ची पाउडर ऐड करेंगे। थोड़ा ये स्पाइसी रहेगा ना, ब्रेड फिंगर तो खाने में बहुत टेस्टी लगेगा। साथ में इसमें हम ऐड कर देते हैं थोड़ा सा धनिया पाउडर और इसी के साथ इसमें डाल दीजिए थोड़ा सा साबुत जीरा, जिससे कि जीरे का क्रंच आएगा। उसके बाद जो है इसमें हम ऐड करेंगे थोड़ा सा नमक, अपने स्वाद के अनुसार कम ज़्यादा कर सकते हैं। सभी चीज़ों को पहले सूखा सूखा मिक्स कर लीजिए और उसके बाद जो है इसमें हम ऐड करेंगे पानी। पानी डाल करके हम गाढ़ा घोल यहाँ पर तैयार करेंगे। ये देखिए कुछ ऐसा यहाँ पर हमें जो है गाढ़ा घोल तैयार करना है। ध्यान रखिएगा, इतना गाढ़ा होना चाहिए। उसके बाद जो है मैंने ले लिया है ब्रेड क्रम्ब और बेसन वाला घोल। सबसे पहले एक जो है ब्रेड फिंगर को लीजिए, बेसन वाले घोल में डिप करेंगे और उसके बाद जो है ब्रेड क्रम्ब की कोटिंग कर देंगे। अच्छी तरह से कोटिंग करेंगे, चारों तरफ बढ़िया से जो है कोटिंग हो जाना चाहिए, कुछ इस तरीके से। ये देखिए बहुत ही बढ़िया से दिख रहा है ना। पहले हम इसी तरीके से सारा तैयार कर लेते हैं, उसके बाद फिर हम फ्राई करने के लिए चलेंगे। तो फ्राई करते समय इस बात का ध्यान रखिएगा कि गैस का फ्लेम हाई होना चाहिए और ऑयल आपका अच्छी तरह से गर्म होना चाहिए। जब ऑयल अच्छी तरह से गर्म रहेगा ना, आप जैसे ही ब्रेड फिंगर को डालोगे, ये फटाफट फ्राई हो जाएगा और बिल्कुल भी जो है ना ऑयल को सोखता नहीं है। कलछी से अलट पलट करते हुए फ्राई करिए। 2-3 मिनट में आप देखोगे कि इसका जो है ना कलर चेंज हो गया है। जैसे ही लाइट ब्राउन कलर आ जाए, ऊपर ही काफ़ी क्रिस्पी दिखने लगेगा। जैसे कि ये देखिए बहुत ही प्यारा सा कलर दिख रहा है, काफ़ी क्रिस्पी दिख रहा है। तो इसे हम जो है ऑयल से बाहर निकाल करके रखेंगे। बाकी जो बचा हुआ है इसी तरह से उसे भी बनाएंगे और गर्मा गर्म इसे हम लोग टमाटो केचप के साथ सर्व करेंगे। बहुत ही टेस्टी लगता है टमाटो केचप के साथ, बच्चों को तो और ज़्यादा पसंद आता है। उम्मीद करती हूँ कि रेसिपी आप लोगों को पसंद आई होगी। घर पर बना करके ट्राई करिएगा, बहुत ही सिंपल सी है। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करिएगा। मिलते हैं हम आप लोगों से एक नई रेसिपी में। बाय गाइज़।